कोविड महामारी के बाद जिला अस्पताल में बंद चल रहे ओपीडी को शुक्रवार से खोल दिया गया। ओपीडी खुलते ही जिला अस्पताल में मरीज पहुंचने लगे और चिकित्सक उनका इलाज करते नजर आए। इसके संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मेडिसिन, अस्थि, नाक, कान, गला सहित अन्य विभागों को ओपीडी खोल दी गई है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, हो जाएगा उस पर पोस्ट कोविड ओपीडी तो बहुत पहले से ही चल रहा था, जिसमें हमारे साइकेट्रिस्ट, चेस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्किन, ENT और आई, इसके चिकित्सक मरीज देख रहे थे। आज से उनके साथ सर्जिकल ओपीडी, आर्थो और जनरल सर्जरी की भी ओपीडी शुरू हो गई है। इस प्रकार पूरी ओपीडी चालू है, मरीजों का एक जगह संग्रहण न हो, इसीलिए जो पोस्ट कोविड ओपीडी थी, उसी ओपीडी में स्किन और ENT भी वहीं शिफ्ट, अपीडाटिक शिफ्ट कर दिया गया है और उन मरीजों की दवाएं भी वहां पे कमरा तैयार किया जा रहा है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस प्रकार पुराने ओपीडी और नए ओपीडी में अलग अलग मरीज आएंगे, वहाँ दिखाएंगे, वहीं से अपनी दवा ले लेंगे। सभी मरीजों को दवा लेने के लिए पुराने ओपीडी में ड्रग काउंटर पे नहीं आना पड़ेगा। इससे हमारे मरीजों की भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे एक जगह भीड़ नहीं होगी। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, सबको मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने के IC जो हमारा रेगुलर चल रहा है, तथा सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि बीच बीच में भी जाएं और मरीजों और उनके तीमारदारों को अनुरोध करें, समझाएं कि वह मास्क का प्रयोग करें, दूर दूर बैठें तथा बार बार हाथ धोलें। सर, बच्चों के लिए क्या है? बच्चों की ओपीडी ऑलरेडी 2 कमरे में वहाँ चलाई जा रही है। नई ओपीडी में एक जगह वरिष्ठ परामर्शदाता है, दूसरे कमरे में परामर्शदाता है, 2 कमरे में अंदर ओपीडी चलाई जा रही है, जिससे कि एक जगह मरीजों की भीड़ नहीं होने पाएगी।